नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे होटल में लगे स्पाई कैमरे के बारे में। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस दौरान आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें आपको अपने सामान की रक्षा करनी होती है। इसके साथ साथ घूमने जा रहे स्थान के बारे में जानकारी जुटाना और फिर गाड़ी जिससे कि आपको घूमने जाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए या फिर उसका ख्याल आपके मन में होना ही चाहिए। इन सब के अलावा भी कुछ बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताएँगे। क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बस हमारा पूरा ध्यान घूमने पर होता है कि हम सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर घूम सकें। लेकिन घूमने जाने के दौरान हम जिस होटल में रुकते हैं, चाहे वह महंगा हो या सस्ता, हमें उस कमरे को भी एक बार सख की निगाह से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी आप पर कोई अपनी आँख गड़ाए हो सकता है। क्योंकि इस तरह की कई खबरें मीडिया की सुर्खियाँ बनती रही है, ऐसे में आज हम जानेंगे कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं और आप होटल में अपना कमरा बुक करवाए हैं तो एक बार उस कमरे की पड़ताल जरूर कर लें। आगे हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि अगर उस कमरे में कोई कैमरा लगा है, या फिर हिडन कैमरा कह लें या स्पाई कैमरा कह लें, कई अलग अलग नाम हैं इसके, तो हम उस कमरे में उस कैमरे को कैसे खोजेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी खुद से जाँच करेंगे। जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो सबसे पहले आपको खुद से उस कमरे की जांच कर लेनी चाहिए कि उस कमरे में सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें सामने आई है कि कमरे के किसी सामान में कैमरा लगा हुआ मिला है, जैसे कि नाइट लैंप, रोशनदान, गेट हैंडल, फ्लावर पॉट, टेबल पर रखे सामान जैसे में कि घड़ी, स्मोक डिटेक्टर, एसी पावर एडेप्टर, अलार्म सेंसर, टेलीफोन को आप जो है इन सारे सामानों को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने बाथरूम में कांच जो कि शीशा लगा हुआ है, टूथब्रश हैंडल, खिड़की, टॉवर होल्डर, नल आदि को जो है अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे कैमरे लगने होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद हम आगे जिन चीज़ों की देखभाल करेंगे वो है कि मोबाइल के फ्लैश लाइट से कमरे की पड़ताल करें, यानी कि अंधेरे कमरे में जो है आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से उसकी जांच कर लें। आप किसी होटल के कमरे में छुपाकर लगे कैमरे की जांच मोबाइल के फ्लैश लाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कमरे की लाइट को बंद करना होगा और अपने मोबाइल के फ्लैश को ऑन करना होगा। अगर उस कमरे में कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा लगा होगा तो वह एक लाइट के साथ ब्लिंक लाइट दिखाई देगा, यानी कि रेड या फिर ब्लू किसी भी लाइट में जो है वो वहाँ पर ब्लिंक वाली लाइट जो है वो हल्की हल्की दिखाई देने लगती है। जहाँ आप जाकर उसे चेक करें और उस कैमरे को पकड़ें या फिर वहाँ से निकाल लें। अगला जो तरीका है वो है लाइट बंद करके चेक करने का। कमरे में कैमरे की पड़ताल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कैमरे की लाइट को पूरी तरीके से बंद करना है। इसके बाद अपने फ़ोन का एक कैमरा ऑन करना होगा, जिसे आपको उस कमरे के कोने कोने में घूमना है। उसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें हमारी आँखों से नहीं दिखाई देती, उसे कैमरा बहुत ही आसानी से देख सकता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कैमरे की मदद से आप जो है उस कमरे में कैमरे की पकड़ सकते हैं, यानी कि कैमरे को जो है आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारी आंख जो है उन चीज़ों को नहीं देख पाती है, और ऐसे में जो है आप उस कैमरे की मदद से यानी कि आपके फ़ोन में जो कैमरा है उसकी मदद से आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास मान लीजिए पूरा कमरा अंधेरे में है और आपने जो जिस मोबाइल से कैमरा ऑन कर रखा है सिर्फ उसी की लाइट जल रही है, तो ऐसे में आपका ध्यान भी सिर्फ कैमरे पे ही होगा और उन्हीं वस्तुओं को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि कैमरे में जो है आसानी से चीज़ें दिखने लगती है। अगला तरीका जो है कि आप ऐप की मदद से भी जो है छुपे हुए कैमरे को पकड़ सकते हैं। कमरे में छुपे हुए कैमरे को खोजने के लिए आप ऐप का सहारा ले सकते हैं। इसकी मदद से आप कमरे में लगे कैमरे को पकड़ सकते हैं। इंटरनेट पर इसको लेकर कई एप्लीकेशन मौजूद हैं जिससे कि आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐप सही से काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई ऐसे डिवाइस हैं जो कि इसकी पड़ताल कर पाते हैं, लेकिन वह आम लोगों की पहुंच में नहीं है। ऐसे में आपको सतर्क और जागरूक होने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमने आपको सबसे शुरू में बताया है। आप ब्लूटूथ और वाईफाई के माध्यम से भी पड़ताल कर सकते हैं।
अब तो लगभग होटल में आपको फ्री में वाईफाई मिल ही जाता है, ऐसे में आप वाईफाई को ऑन करके भी इसकी पड़ताल कर सकते हैं। यह माना जाता है कि वाईफाई के माध्यम से कमरे में लगे कैमरे लाइव स्ट्रीमिंग किए जाते हैं, ऐसे में आप इसके वाईफाई को स्कैन कर उस स्ट्रीमिंग को पकड़ सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जब आप कमरे में फ़ोन से बात करते हैं तो फ़ोन पर कुछ अलग ही आवाज़ आने लगता है, यह सब होता है उस छुपे हुए कैमरे की वजह से। ऐसे में अगर आपको इस तरह की स्थिति दिखे तो आप तुरंत कमरे में कैमरे की पड़ताल करें। कहा जाता है कि अगर छुपा हुआ कैमरा हो और अगर आप फ़ोन में बात कर रहे हों तो इस दौरान जो है नेटवर्क में परेशानी उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है बात करने में दिक्कत होती है। तो ये वो तरीके हैं जब आप होटल में जाएं तो वहां जाने के बाद अपने कमरे की पड़ताल करें, या फिर स्पाई कैमरा या हिडन कैमरा जो लगा हुआ है उसको आप इन तरीकों से जो है आप पकड़ सकते हैं। तो ये था आपके घूमने फिरने और एक तरह से कह लें कि छुपे हुए कैमरे को पकड़ने का तरीका। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।